भारत का एकमात्र मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर सोलन के समीप कोठो गांव में स्थापित है, जो अब मानव मंदिर के नाम से व्याख्यात है। इसे मंदिर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बीमारी से प्रभावित रोगियों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता है, जिसकी वजह से रोगी के साथ साथ उनके परिजन भी सभी आशाएं खत्म करके यहाँ पहुँचते हैं। वे पूरी तरह टूटे होते हैं, लेकिन इस मानव मंदिर में आने के बाद रोगी का आधुनिक तकनीकों से नियंत्रण किया जाता है, जिसकी वजह से रोगी पर यह बीमारी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती है। साथ में परिजनों का उत्साह भी बढ़ जाता है और रोगी के जहन में डाला जाता है कि इस बीमारी के बाद भी जिंदगी है, जिससे वे बेहतरीन ढंग से जी सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर सोलन के पदाधिकारियों ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज अभी तक संभव नहीं है, लेकिन इसे फिजियोथेरेपी से नियंत्रित किया जा सकता है, जो यहां आधुनिक तकनीक की सहायता से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 30 वर्षों से रोगियों और परिजनों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाया जाता है कि रोगी को रोग से हार नहीं माननी चाहिए। इसके बावजूद भी वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आज कई रोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट तक बन चुके हैं और कई लेक्चरर, इंजीनियर, IIM तक में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। आपको बता दें कि इस संस्था की देखरेख कर रहे विपुल गोयल और संजना गोयल खुद इस बीमारी से प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे रोगियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और कई लोगों के जीवन को उन्होंने नई राह भी दिखाई है। संस्था को अभी तक करीब 30 अवार्ड हासिल हो चुके हैं। उमा बाल्दी, संस्था की चेयरमैन, ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे इस तरह के सेंटर पूरे भारत में खोले ताकि रोगियों को इसका फायदा मिल सके। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बस संचालकों के साथ सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना व निगरानी के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि बसों में ओवरलोडिंग एक सबसे बड़ी समस्या है और इसका सर्वमान्य हल निकालने के लिए सभी के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमीरपुर जिला में 355 लोकल रूट निजी बस संचालकों द्वारा तथा 123 लोकल रूट हिमाचल पथ परिवहन निगम दैनिक आधार पर संचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर जिला व अंतर राज्य रूट पर चलने वाली बसें भी यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इन सभी स्थानीय रूटों पर बसें नियमित रूप से चलाई जाएं और बसों द्वारा समय सारणी का अनुपालना किया जाए। इस बारे में आगामी 2 दिनों में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबह व सायंकाल में पीक आवर्स के दौरान ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए मुद्रिका बस सेवा, मैक्सी कैब, बस अड्डे पर अधिक देर तक रुकने वाली बसों के रूट कुछ परिधि तक बढ़ाने सहित नए रूट जारी करने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए निजी बस संचालकों व लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। साथ ही उपमंडल स्तरीय रूटों पर आवंटित समितियों से भी नए रूट्स के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। उपायुक्त ने आग्रह किया कि सभी निजी बस संचालक बसों की समय सारणी और निर्धारित रूट के संचालन में अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। बसों में इस बारे में चालक की ऊपर वाली खिड़की पर सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए। सभी संचालक सवारियों को टिकट अवश्य दें। बस संचालकों को सवारियों के उठाने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और सभी को समय सारणी का कड़ाई से अनुपालना करना चाहिए, जिससे काफी हद तक ओवरलोडिंग की समस्या भी कम हो सकती है।